गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत वेलकम है इस नए दिन में, नए ब्लॉग में। और अभी हम ये पंजी मार्केट है, ये पंजी बस स्टैंड है। और ये देखिए यहाँ का व्यू, चारों तरफ बसें ही बसें आपको दिखेंगी। मेन बस स्टैंड है ये। और पंजिम जो है आपको पता ही होगा, गोवा की राजधानी है, कैपिटल सिटी है। और इस बस स्टैंड से हम कहाँ तक चलने वाले हैं प्रशांत भाई? ओल्ड गोवा से मार्शल, मार्शल तक जाने वाले हैं। ओल्ड गोवा होते हुए मार्शल तक जाने वाले हैं। पूरा वीडियो देखें, आपको अच्छा लगेगा। पूरा ट्रिप मेरे साथ में एंजॉय करें। आइए शुरू करते हैं इस ट्रिप को। ये हमने अभी शुरू कर दिया है, यहाँ से गाड़ी हमारी चल पड़ी है, मार्शल तक हम लोग जाने वाले हैं। यहाँ पर रोडवेज की सरकारी बसें, प्राइवेट बसें, इधर भी आप देखेंगे दिए लॉन्ग रूट पे चलने वाली बेंगलोर साइड में, बॉम्बे साइड में, वो गाड़ियाँ भी यहाँ पर हैं। ये देखिए चारों तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ यहाँ पर हैं। बड़ा बस स्टैंड है। और पंजिम जो है यहाँ की राजधानी है, तो सबसे बड़ा यही है, सबसे बड़ा बस स्टैंड यही है। प्रशांत भाई हमारे साथ में ड्राइवर है, मैं उनसे मदद ले रहा हूँ साथ में, उनसे बातें करते हुए और चीज़ों को मैं समझ रहा हूँ और आपको भी बता रहा हूँ। ये देखिए आप, चारों तरफ बसें ही बसें, टर्न राइट, सरकारी बसें, प्राइवेट बसें, सब बसें यहाँ पर हैं, जो लोकल सिटी में चलती हैं, जो लॉन्ग रूट पर चलती हैं, या जो गोवा गोवा के अंदर कनेक्टेड जो बसें हैं। जैसे ये बस जिसमें अभी हम मार्शल के लिए निकल रहे हैं, ये ओल्ड गोवा होते हुए और जाएगी मार्शल भी ओल्ड गोवा है। मार्शल भी ओल्ड गोवा है, गोवा से मार्शल जाएगी। अच्छा, नहीं मार्शल जो है वो ओल्ड गोवा नहीं है क्या? पहले ओल्ड गोवा जाता है, बाद में मार्शल जाएगा। बाद में मार्शल जाएगी, ओल्ड गोवा होते हुए मार्शल जाएंगे। और ये सामने जो है अटल ब्रिज, सबसे बड़ा ब्रिज गोवा का, काफ़ी बड़ा ब्रिज बनाया है। ये अटल ब्रिज से जो गाड़ियाँ आती हैं, और ये यहाँ पर इस रास्ते से हम चलने वाले हैं अभी ओल्ड गोवा के लिए। अच्छा, ऊपर जो ब्रिज है, जो नया ब्रिज है जिसपे ये तार तार से लगे हुए हैं, इस पे बाइक और थ्री व्हीलर अलाउड नहीं है। और नीचे जैसे ये बस आपको दिख रही होगी आ रही है, ये इस पे अलाउ है। एक्सिट द राउंडअबाउट ऑनटू एवेन्यू डॉम जुआओ द कास्ट्रो। अभी हम इधर चलेंगे, ये साथ में नदी है, इस नदी के किनारे किनारे कौन सा नदी है? मांडवी नदी है इधर, उसके किनारे किनारे पे हम चलेंगे। बाजू में नदी और ये साथ में रोड, कितना सुंदर नज़ारा है देखिए आप। समुद्र के लेवल तक ही रहता होगा इसमें भी पानी। साइकिल वाले भाई पसीना पसीना हो रखे। और ये यहाँ से देखिए आप नज़ारा, नदी के बिल्कुल किनारे पे हम इस यात्रा को जारी रख रहे हैं। ओल्ड गोवा तो रुक गए, ओल्ड गोवा आ गए।
आगे 5-7 किलोमीटर से रहे। अच्छा काफी पुराना बरगद का पेड़ बहुत ही बड़ा है और ये कॉर्निस के नजदीक नजदीक की यात्रा बहुत ही शानदार नज़ारे यहाँ के। पूरा वीडियो आप देखें, गोवा का पूरा आपको एक टूर मिलने वाला है ओल्ड गोवा का, पंजिम से लेके और आगे मार्शल तक। रुमाल आपका इधर लेना। संडे को कम चलता है क्या? संडे को थोड़ा कम चलता है। ये ओल्ड गोवा के रास्ते में हम चल रहे हैं और नदी हमारे साथ साथ ही है। और ये यहाँ का स्ट्रक्चर देखिए, काफ़ी पुराना स्ट्रक्चर है यहाँ का। अभी अपना ओल्ड गोवा मीटर हो गए क्या? अभी ओल्ड गोवा बाकी है, 3-4 किलोमीटर के बाद में ओल्ड गोवा आएगा। ये ओल्ड गोवा का रोड है, उसी रोड पे हम चल रहे हैं और बाजू में हमारे नदी है, देखिए काफ़ी बड़ी नदी, मांडवी नदी, तो आगे समुद्र में जाके मिल जाती है। चर्च साउथ सेंट पीटर्स चर्च पेट्रो, ये यहाँ पर। और ये सामने से सिटी बस जो ओल्ड गोवा से आ रही है पंजे जाएगी। ओल्ड गोवा का चर्च आने वाला है अभी, ओल्ड गोवा का ना। साइड में आएगा ये। हाँ पुराना ये साइड का म्यूजियम है। अच्छा ये साइड में म्यूजियम है, ये साइड का म्यूजियम है, वही ओल्ड गोवा चर्च। ये ओल्ड गोवा का चर्च आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए और जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। और इधर क्या बताया, म्यूजियम चर्च है लेकिन म्यूजियम बना है। हाँ इधर भी एक चर्च है, ओल्ड चर्च है लेकिन उसको अभी म्यूजियम बना दिया है। और ये इसके सराउंड एरिया, ये बोर्ड है। हाँ ये देखो यहाँ पर ये संग्रहालय म्यूजियम बना दिया है इसको। ये यहाँ का सामने का रोड का व्यू। अभी चर्च बंद है क्या? गांधी का मूर्ति आएगा आगे, ओल्ड गोवा का सर्किल जिसमें गांधी जी का स्टेचू लगा हुआ है वो भी आगे आ रहा है। और ये अभी हमने इधर क्रॉस किया, ये ओल्ड गोवा का चर्च जो पुराना था। और इधर जो हमने देखा ये
इसके साथ में गार्डन बना हुआ है, ये म्यूजियम बना दिया इसको, ये भी चर्च था। और ये सामने गांधी जी की स्टेचू के साथ में सर्किल, गांधी जी किसी एक बच्चे को ही लेके साथ में खड़े हैं। और ये पौंडा मड़गांव, यदि जाएंगे तो राइट में वास्को की सड़क है, और ये पौंडा है, ये पौंडा का रास्ता जा रहा है जिस पे हम आगे चलेंगे, मार्शल तक हम लोग जाने वाले हैं। और ये अभी हम हाईवे पे आ गए हैं, पौंडा का हाईवे। और ये हजरत सैयद शाह आले का दरगाह है यहाँ पर, और ये हाईवे है। वो देखिए स्कूटी चला रहा है, हाथ छोड़ के, ये छोड़ के हाथ छोड़ रखा चला रहा है, ऐसा भी होता है। ये मार्केट यहाँ का ओल्ड गोवा चल रहा है ना, अभी ये ओल्ड गोवा हमने क्रॉस कर दिया, जहाँ पे चर्च था वही ओल्ड गोवा था। अभी करमली के रेलवे स्टेशन आने वाला है आगे, ये साइड में रेलवे स्टेशन है, अभी रेल जा भी रही है, आवाज आ रही है नीचे से, रेल जा रही है। ये देखिए नीचे इधर रेल का ब्रिज है नीचे से, और आगे इधर करमली रेलवे स्टेशन है। कितना कितना दूर होगा? नजदीक है वो, बहुत दिखता है ना। हाँ नजदीक ही है, यहाँ पर रेलवे स्टेशन इधर से नजदीक ही है, नीचे देखो रेल जा रहा है। और ये इस हाईवे का पूरा व्यू, अभी हम ब्रिज के ऊपर जो खड़े हैं, नीचे से रेल निकला है, ऊपर तो रोड है और नीचे से रेल का ब्रिज निकाला हो, तो नीचे से रेल अभी गई है। ये हॉस्पिटल का स्टॉप आ गया, ये मार्शल हाईवे है, नेशनल हाईवे। आगे मोल्लाम 45, पौंडा 15, मंगेसी 8 किलोमीटर है। ये नेशनल हाईवे है गोवा का, हम इसमें मार्शल तक जा रहे हैं। यहाँ से दूध सागर 47 है, सीधा सीधा ये हाईवे दूध सागर तक जाता है। जो कन्याकुमारी को जो ट्रेन जाता है मुंबई से, वो उसी रास्ते से निकलता है, दूध सागर से निकलता है। बड़ा सा एक झरना जिसे दूध सागर बोलते हैं, मैं भी वहाँ से 2-3 बार निकला हुआ हूँ ट्रेन से, बहुत ही शानदार नज़ारे वहाँ के हैं। लोग यहाँ से गोवा से दूध सागर घूमने के लिए जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं, वहाँ पर सेल्फी वगैरह लेते हैं, वीडियो बनाते हैं। बहुत ही फेमस हो गया है दूध सागर भी, जो गोवा के अंदर दूध सागर के लिए मिल जाता है ना। बस में जाते उधर, हाँ उधर सर, हाँ मतलब साधन मिल जाता है, जिप्सी, हाँ जिप्सी में आप जा सकते हैं। यहाँ से बस मिलेगा और फिर आगे जो टूर वो अपना फॉरेस्ट एरिया है, तो वहाँ पर आपको जिप्सी से जाना पड़ेगा, लेकिन जा सकते हैं आप। और ये देखिए यहाँ से नज़ारे, नीचे पूरा फॉरेस्ट है और ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है, चारों तरफ के नज़ारे देखिए आप। ये सीधा रास्ता पौंडा के लिए निकल गया,
और इधर हम घूमे हैं तो ये मार्शल का रास्ता आ गया। कितना अंदर जाएंगे हम? अभी 1.5 किलोमीटर रहेगा मार्शल। 1.5 किलोमीटर और जाएंगे तो मार्शल गांव आ जाएगा। हम मार्शल गांव तक जाने वाले हैं। बने रहें पूरे वीडियो में और इस ट्रिप को मेरे साथ में इंजॉय करते रहें। और ये प्रशांत भाई का गाड़ी है, देखिए आप। और ये भाई साहब हैं, कुछ बोलेंगे प्रशांत भाई? नहीं, बहुत ही खुश मिजाज इंसान है, अच्छे इंसान है। वैसे ये दूसरी गाड़ी चलाते हैं, आज इस गाड़ी में आए हैं, आज संडे है। अच्छे इंसान है, गोवा के लोग अच्छे हैं, मुझे अच्छे लगे। बाकी आप ट्रिप को एंजॉय करें, बने रहें मेरे साथ में। ये मार्शल का रोड और मार्शल की तरफ से जो गाड़ियां आ रही हैं और जो ट्रैफिक आ रहा है। मार्शल का रास्ता, मार्शल क्या गांव है क्या? हाँ गांव है, गांव है, गोवा का एक गांव है मार्शल। ये बस वहीं तक जाएगी और हमारे जो ड्राइवर भाई हैं प्रशांत भाई, इनका गांव भी ये यहीं पर है, इनका घर भी यहीं कहीं होगा। कहाँ है आपका घर? कहाँ है? दूर है क्या? मार्शल में ही है, मार्शल के रहने वाले हैं। मार्शल से थोड़ा आगे बता दें। और ये मार्शल का रास्ता, काफ़ी हरियाली है यहाँ पर, पेड़ पौधे बहुत सारे हैं गोवा में चारों तरफ। जितना गोवा अच्छा है उतने यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, ये मैंने फील किया है। और ये इधर बाजू में देखेंगे तो ये गेहूँ, ये कणक चावल की खेती है। चावल है? चावल नहीं लगाया, खेती यहाँ पर खेती है लोगों की यहाँ पर। और ये सीधा रास्ता मार्शल का और आगे कनखिली कुंबार जू कनखिली, ये आगे गांव है। मार्शल पहुंच गए हैं, मार्शल का बस स्टैंड आने वाला है, आगे बने रहे। माही ट्रांसपोर्ट बॉम्बे से, पुणे से, बेंगलोर से जो गाड़ियाँ आती हैं वो भी इसी रास्ते से आती हैं। ये हाईवे से ही आती है सब लोग गाड़ियाँ।
मार्शल आ गया है। इधर हम घूमेंगे अभी, तो ये मार्शल का मच्छी मार्केट है, इधर बहुत सारे लोग मच्छी बेच रहे हैं। ये बस स्टैंड आ गया मार्शल का, सरकारी बस स्टैंड और प्राइवेट बस स्टैंड, सरकारी भी यही लगता है ना। ये हम बस स्टैंड के अंदर जा रहे हैं, काफी अच्छा सा एक सेट बना रखा है यहाँ पे। और ये मार्शल का बस स्टैंड, इस रास्ते से हम आए, अभी वापस हमने वापस जाना है। तो इस वीडियो को यहीं तक, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। प्रशांत भाई आपका भी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।